होंगे कि स्वामी बल्लेबाज भूपेंद्र मिस्टर भूपेंद्र अगले मरतबा फिर से चलेंगे हरीश के लिए। हरीश भैया बहुत बढ़िया सम्मान दिया बॉल को, बहुत बढ़िया गेंदबाजी मिस्टर भूपेंद्र द्वारा। कोगी और जटोली के बीच ये मैच फिर से चलेंगे मिस्टर भूपेंद्र शुभम के लिए। शुभम भैया और शुभम ने घुमा दिया है बल्ला और फील्डर वहां पे मौजूद और एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। फिर से भूपेंद्र जिखाना छोर से हरीश के लिए। हरीश त्या हरीश ने घुमा दिया है लेफ्ट साइड से उसके लिए और एक रन टारगेट पूरा किया। दूसरे रन के लिए दूसरा रन भी पूरा कर दिया है। काफी बढ़िया रनिंग होती है और चार रन मिस्टर हरीश के लिए। धीरे धीरे कदमों से भूपेंद्र चले, हरीश तैयार, अंपायर को क्या पा और दौड़ के एक रन पूरा किया। वाइड गेंद का इशारा और बाइक के रूप में मिलता हुआ एक और अतिरिक्त रन। मिस्टर भूपेंद्र फिर से चलेंगे शुभम के लिए और अंपायर को बात किया। शुभम तैयार और शुभम ने घुमा दिया है सीधा ही अंपायर के ऊपर से छह रनों के लिए शुभम के लिए। फिर से धीरे धीरे कदमों से अंपायर को पार किया। शुभम तैयार और शुभम ने बल्ला घुमा दिया है। फिर से वही शॉट, फील्डर मौजूद, काफी अच्छी फील्डिंग, बॉल कैच ड्रॉप कर दिया उन्होंने और इसी कारण एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा मिस्टर शुभम को। और एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 18 रन शुभम के लिए। शुभम तैयार धीरे धीरे कदमों से अंपायर को पार किया। देखते शुभम ने बल्ला घुमाना चाहता पर बीट हुए। काफी बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे सरूप द्वारा। अगली मरतबा फिर से चलेंगे सरूप मिस्टर शुभम के लिए। शुभम तैयार, देखते इस बॉल में क्या करते हैं और घुमा दिया साइड के लिए। फील्डर वहाँ पे काफी चुस्त पर एक रन में ही एक रन देने से नहीं रोक पाएंगे फील्डर को। अगली मरतबा फिर से चलेंगे सरूप मिस्टर हरीश के लिए। धीरे धीरे कदमों से पार को पार कर हरीश तैयार और अपना विकेट गंवाया मिस्टर हरीश ने। अगले जो बल्लेबाजी का भार संभालने आए मिस्टर धीरज, मिस्टर स्वरूप धीरज के लिए। फिर से पायल को पार किया, धीरज तैयार और उठा के मार दिया है सीधा ही। देखते हैं बॉल कहां तक पहुंचती है और पायल का इशारा। चार रन पहले ही बॉल में आके ही उन्होंने बाउंड्री मार दी है। अगले मरतबा स्वरूप फिर से धीरे धीरे कदमों से पायल को पार किया। धीरज तैयार और घुमा दिया है पर एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा धीरज को। चिखलाना छोर से धीरे धीरे कदमों से अंपायर को पार किया धीरज। शुभम तैयार और घुमा दिया है लेग साइड की तरफ के लिए दो रनों के लिए। और दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 26 रन के। पारी का तीसरा और अपने कोटे का पहला ओवर लेके धीरज के लिए। और धीरज घुमाना चाहते थे बीट हुए। काफी बढ़िया बॉल मिस्टर अजय द्वारा जी। फिर से धीरे धीरे कदमों से अंपायर को क्या पार धीरज तैयार और धीरज ने घुमा दिया है सीधा एक मेंटेनर बॉक्स के ऊपर से छह रनों के लिए। बहुत बढ़िया बैटिंग करते हुए यहाँ पे धीरज मिस्टर अजय धीरज के लिए। देखते धीरज इस बॉल में क्या करते थे, वो बीट हुए घुमाना चाहते थे। अगली मरतबा फिर से मिस्टर अजय, बहुत काफी बढ़िया बॉल, काफी बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए यहाँ पे धीरे धीरे कदमों से चले अंपायर को क्या पा। शुभम तैयार और शुभम ने घुमा दिया है सीधा है छह रनों के लिए। काफी लंबा हिट अंपायर को क्या पा। शुभम तैयार और घुमाना चाहते थे लेग साइड की तरफ को धकेल दिया बॉल को। एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा और तीन ओवर के पश्चात स्कोर जा पहुंचा है 40 रन। शुभम तैयार, देखते हैं शुभम इस बॉल में क्या करते हैं। ऑफ साइड की तरफ खेल दिया बॉल को, फील्डर वहां पे मौजूद और एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। काफी लंबा रन था जिखराना छोर से धीरे धीरे कदमों से अंपायर को क्या पास धीरज तैयार और धीरज ने उठा दिया है सीधा ही बाउंड्री लाइन से बाहर छह रनों के लिए। काफी लंबा हिट मिस्टर भूपेंद्र धीरज के लिए और धीरज ने फिर से घुमा दिया है
सीधा ही बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। फिर से भूमिष्ठ भूपेंद्र धीरज के लिए, ओ धकेल दिया है लेग साइड कर्व के लिए, फील्डर मौजूद, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। जिखाना छोर से धीरे धीरे कदमों से अंपायर को किया पास, शुभम दया और उन्होंने उठा के मार दिया है सीधा ही, काफी लंबा हिट 6 रनों के लिए। आखिरी मरतबा फिर से चलेंगे मिस्टर भूपेंद्र, धीरे धीरे कदमों से अंपायर को किया पास, शुभम दया और शुभम ने फिर से उठा के मार दिया है 2 रनों के लिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 62 रन। अगले मरतबा धीरज के लिए, धीरज ने घुमा दिया है, फील्डर वहां पे मौजूद, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। मिस्टर टॉप दूसरी मरतबा शुभम के लिए, अंपायर को किया पास और भेज दिया उन्होंने और मिस फेल होते हुए 2 रन पूरे कर लिए यहाँ पे। मिस्टर काकू तीसरी मरतबा शुभम के लिए और शुभम ने धकेल दिया है सीधा ही, बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। मिस्टर काकू फिर से चलेंगे शुभम के लिए, शुभम ने फिर से मार दिया है और बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। मिस्टर काका काकू फिर से शुभम के लिए, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। आखिरी मरतबा चलेंगे मिस्टर काकू धीरज के लिए, अंपायर का क्या पास, धीरज तैयार और धीरज ने उठा के मारना ज्यादा पर बीट हुए और एक रन पूरा किया, 5 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 79 रन। मरतबा फिर से है धीरज के लिए, धीरज तैयार, देखते हैं इस बॉल में क्या करते हैं। उठा के मारना चाहते थे और नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा, फ्री हिट, और देखते हैं शिवम फ्री हिट में क्या करते हैं। और शिवम ने बॉल उठा के मार दिया है, फील्डर वहां पे मौजूद और 4 रनों के लिए। दूसरी मरतबा फिर से चलेंगे मिस्टर हैप्पी शिवम के लिए, लेफ्ट साइड की तरफ के लिए 2 रन शुभम के लिए, जो कि अपने अर्धशतक से 2 रन दूर है मात्र। फिर से धीरे धीरे कदमों से अंपायर के पास, शुभम तैयार और शुभम ने धकेल दिया लेफ्ट साइड की तरफ के लिए, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अगली मरतबा मिस्टर हैप्पी धीरज के लिए, देखते हैं धीरज इस बॉल में क्या करते हैं। और उठा के मार दिया है सीधा ही बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। धीरज का जो निजी स्कोर है 31 रन। अगली मरतबा फिर से चलेंगे मिस्टर हैप्पी धीरज के लिए, और अंपायर का इशारा 6 रन। अगली मरतबा फिर से हैप्पी चलेंगे धीरज के लिए, चकमा दिया धीरज को, समझ नहीं पाए बॉल, बहुत ही बढ़िया आ गए। और 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 100 रन। फिर से चलेंगे शुभम के लिए, जो कि 1 रन दूर है। इसी तरह अपना अर्धशतक पूरा किया मिस्टर शुभम ने, काफी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। मिस्टर अरुण फिर से चलेंगे दूसरी मरतबा धीरज के लिए, धीरज तैयार और बाउंड्री छक्का, बाउंड्री लाइन से बाहर, पाल का इशारा 6 रन। अगली मरतबा मिस्टर अरुण फिर से चलेंगे धीरज के लिए, और मिस्टर अरुण फिर से चलेंगे शिवम के लिए, और शिवम ने शिवम ने उठा के मार दिया है लेग साइड कर्व के लिए 2 रनों के लिए। शिवम ने फिर से उठा के मार दिया है 2 रनों के लिए। मिस्टर अरुण चलेंगे शिवम के लिए, वाइड गेंद का इशारा अंपायर द्वारा, अंपायर के रूप में एक और अतिरिक्त रन मिलता हुआ। 7 ओवर की अंतिम गेंद शेष और शुभम को फिर से नॉट आउट। 7 ओवरों की समाप्ति पे स्कोर 116 रन। शुभम तैयार, धीरे धीरे कदमों से हैप्पी अंपायर को पार किया, शुभम तैयार, देखते हैं शुभम क्या करते हैं। धकेल दिया ऑफ साइड की तरफ के लिए,
अगली मंजिल फिर से चले गए हैप्पी धीरज के लिए। ओ धीरज ने उठा के मार दिया है आउट साइड की तरफ को 2 रन। धीरज का स्कोर जा पहुंचा है 45 रन। और अपना अर्धशतक बना के आउट हुए हैं मिस्टर शुभम हैट्रिक चांस पे। मिस्टर हैप्पी पांचवी मर्तबा हैट्रिक चांस पे, देखते हैं इस बॉल पे क्या विकेट ले पाते हैं। बीट हुए और अंतिम बॉल मिस्टर हैप्पी डालेंगे पन्नी स्ट्राइक पे, देखते हैं पन्नी क्या करते हैं। और पन्नी ने आगे बढ़कर बीट हुए उनकी टीम का जो स्कोर जा पहुंचा है 120 रन योगराज अरुण के लिए। काफी बढ़िया गेंद फिर से चलेंगे मिस्टर योगराज धीरे धीरे कदमों से अरुण त्यार अंपायर को क्या पास योगराज जी इसको और उठा के मार दिया है कैच ड्रॉप और 6 रनों के लिए। अगली मरतबा फिर से चलेंगे मिस्टर योगराज अरुण के लिए और अरुण जी को क्या उठा के मार दिया है और अंपायर का इशारा 4 रन और एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 16 रन। और धीरे धीरे कदमों से अंपायर को क्या था संजू तैयार और बढ़िया गेंद चिखराना छोर से धीरे धीरे कदमों से चलना स्टार्ट किया अंपायर को क्या पास संजू तैयार और एक बार को मार दिया है फील्डर का गोल और एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा मिस्टर संजू को। अंपायर को क्या पास अरुण तैयार उठा के बल्लेबाजी का भार संभाल रहे हैं जितोली टीम से उठा के मार दिया है काफी लंबा हिट और हेलो हेलो कदमों से अंपायर को क्या पास अरुण तैयार देखते हैं अरुण बॉल में क्या करते हो बहुत बढ़िया गेंद बहुत बढ़िया उनके मर्तबा चलेंगे मिस्टर प्रिंस अरुण के लिए अरुण तैयार और अरुण के और ये का इशारा 4 है और 2 ओवर के बाद जो स्कोर जा पहुंचा है 27 रन। पहली मरतबा चलेंगे मिस्टर काकू के लिए धीरे धीरे कदम से बाल तो पार किया काकू तैयार और बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हुए हरीश। अगली मरतबा फिर से चलेंगे मिस्टर हरीश काकू के लिए और काकू जो था मार दिया है फील्डर वहां पे मौजूद 1 रन से ही शायद संतुष्ट होना पड़ेगा और 9 बॉल का इशारा अंपायर द्वारा फ्री हिट। अगली मरतबा फिर से चलेंगे मिस्टर हरीश अरुण के लिए ऊपर से निरंतर हिट 6 रनों के लिए। तीसरी मरतबा फिर से चलेंगे मिस्टर हरीश अरुण के लिए अरुण तैयार और अरुण ने फिर से उठा के मार दिया है ऑफसाइड की तरफ के लिए 2 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। अगली मरतबा फिर से चलेंगे मिस्टर हरीश धीरे धीरे कदमों से आखिरी मरतबा फिर से चलेंगे मिस्टर हरीश अरुण के लिए और स्कोर जा पहुंचा है 55 रन 3 ओवर के बाद। बॉल है मिस्टर धीरज काफी अच्छे गेंद समझ नहीं पाए मिस्टर काकू बस जीत पाते हैं। अगली बार तो फिर से चलेंगे मिस्टर धीरज काकू के लिए काफी बढ़िया गेंदबाजी धीरज के द्वारा स्ट्राइक पे रहेंगे अरुण जो कि अकेले से 52 रन पा चुके हैं फिर से चलेंगे धीरज अरुण के लिए और चलेंगे मिस्टर धीरज अरुण के लिए और अरुण को फिर से उठा के मार दिया है काफी लंबा और 6 रनों के लिए। गेट है मिस्टर अरुण आइटम ओवर थे अरुण के लिए
और इन्हें फिर से उठा के मार दिया। फील्डर मौजूद है अभी अपना स्थान सा कैच हो बैठे हैं और 58 रन के बाद आउट होते हुए आखिरी मरतबा चलेंगे मिस्टर धीरज अंकुश के लिए। देखते हैं अंकुश क्या कहते हैं। और बहुत बढ़िया गेंद मिस्टर धीरज की। 4 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 64 रन। और फिर से चलेंगे योगराज अंपायर के पार। काकू तैयार और काकू ने बॉल को फील्डर मौजूदा तीन फील्डरों के बीच से और एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और जिटोली टीम को जीत के लिए 23 बॉलों में 55 रन। अगली मरतबा फिर से चलेंगे योगराज अंपायर को किया पास। और काफी बढ़िया बॉल योगराज काकू के लिए फिर से चले अंपायर को क्या पास। और देखते हैं बहुत बढ़िया गेंद मिस्टर योगराज फिर से चलेंगे रनों के लिए। और उन्होंने ऑफ साइड की तरफ के लिए और अंपायर का इशारा दो रन। दो रनों से संतुष्ट होना पड़ेगा। लाजवाब बॉलिंग करते हुए कोहली टीम के। और अगले मरतबा फिर से चलेंगे दौड़ का एक रन पूरा किया और इसी बीच स्कोर जा पहुंचा है जिटोली टीम का 70 रन। अंतिम मरतबा फिर चलेंगे मिस्टर योगराज धीरे धीरे कदमों से अंपायर को क्या पास। और अंकुश के लिए ओवर की समाप्ति डॉट बॉल। और 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 70 रन लॉस ऑफ 3 विकेट। अगले मरतबा धीरज फिर से चलेंगे और मिस्टर मुन्नू ने घुमाना चाहा था। 17 बोले 50 रनों की आवश्यकता है। अंकुश चलेंगे धीरज अंपायर को क्या पास। अंकुश तैयार और अंकुश ने उठा के मार दिया है फील्डर के ऊपर से। और तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पर कोकी टीम के गेंदबाजों की। काफी अच्छी वापसी की है इन्होंने और 2 रनों के लिए खेल दिया राजेंद्र ने बॉल को। अगली मरतबा फिर से चलेंगे मिस्टर प्रिंस राजेंद्र के लिए। भूपेंद्र क्या कर पाते हैं 2 गेंदों में। ओ मारना चाहते थे बीट हुए और काफी बढ़िया गेंदबाजी मिस्टर विकास जी जो कि काफी सुलझे हुए विकेट कीपर है। और आखिरी मरतबा भूपेंद्र ने उठा दिया है 4 रनों के लिए। और जिटोली टीम का जो यहाँ पे स्कोर रहा है 92 रन। 120 रनों का पीछा करते हुए क्या 92 92 रनों पे 92 रन ही बना पाई जिटोली टीम। 29 रनों से ये जीत हासिल करी होगी टीम ने।